खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर एक अबरार नाम के व्यक्ति की मृत्यु लगभग 4 साल पहले हो गई थी, लेकिन वहीं का एक मौलवी उसे कब्र से निकलवाकर उसे जिंदा करने का दावा कर रहा था, जिसकी भनक पुलिस वालों को लगी और पुलिस वालों ने इस मौलवी को गिरफ्तार कर लिया। आइए देखते हैं यह सनसनीखेज मामला हमारे संवाददाता जर्रार खान की इस रिपोर्ट में। लखीमपुर खीरी ब्लॉक नकहा के ग्राम पंचायत पिपरा थाना फुलबेहड़ में आज से 3 साल पहले मृतक अबरार, उम्र लगभग 21 वर्ष, जिसको एक बाबा जंगपुर थाना फुलबेहड़ कह रहे थे कि इस लड़के की आकस्मिक मृत्यु हुई है, इसको मैं जिंदा कर दूंगा। यह खबर 10 दिन से वायरल होने से दूर दूर के लोग उन्हें देखने आ रहे हैं। इतना बड़ा कारनामा शायद ही कोई कर पाए, मगर जो करेगा वही कोई आम इंसान नहीं है। हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। प्रशासन को इसकी खबर जब लगी तो इसको मात्र एक अफवाह बताकर भीड़ को खदेड़ कर हटा दिया गया और को जिंदा करने वाले मौलवी को भी पकड़कर अपने साथ लेकर चले गए। 11 दिन से यह मौलवी एक कमरे में बंद होकर अपनी दुआ में लगा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरा खुलवाकर उसे पकड़ लिया। मौलवी अब जिंदा करने को बोल रहा था। पुलिस वालों ने ना तो समय दिया और ना ही उसे कुछ कर दिया। 11 दिन का अमल भी खराब कर दिया और साथ में देखने के लिए आए दो लोगों को पकड़ लिया। हाँ, की बात दिखाई नहीं देते हैं तो फिर बुलाया क्यों? हेलो, क्या दिखाया? नहीं बुलाया, वो उन्हीं का हुक्म था। हेलो, क्या उनका क्या हुक्म था? उन्हीं का कि वो लड़का जिंदा होगा। अच्छा, उन्हीं का हुक्म था। मतलब ऐसे ही अफवाह चल रही थी। हाँ, और ये अफवाह पूरी पब्लिक तक का पहुँच गई। अच्छा अच्छा, बाबा ने बताया था, क्या बताया था? यही बताया था कि वो लड़का जिंदा होगा। जिंदा होगा कितने दिन में? यही 11 तारीख को बताया था। कई दिन से चिल्ला कर रहे थे यहाँ वो? हम नहीं, जो बाबा थे वो कितने दिन से यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे? पहली तारीख से। पहली तारीख 11 तारीख है आज। 11 तारीख कई बजे टाइम था जिंदा करने का? वही असर का टाइम, यही टाइम था। असर के टाइम बाद में जिंदा हो जाता? हाँ, असर के टाइम से कहा था मगरिब तक का जिंदा हो जाएगा।